हेलो स्टूडेंट्स, FYUGP मैथ्स मेजर वीडियो लेक्चर सीरीज सेमेस्टर वन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक हल्का आइडिया पहले ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू से साइन एक्स, तो दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू fx कह सकते हैं। इसको अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करें तो dy वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का cos एक्स आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। अब अगर हम लोग इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। इस तरह से हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीन बार डिफरेंशिएट करने से ये अपने को मिल रहा है कॉस एक्स। मान लीजिए फिर चौथी बार भी डिफरेंशिएट कर जाएं इसको, तो इस तरह से अपने को मिल जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स, अर्थात ये हो जाएगा फिर से साइन एक्स। तो ये जो लगातार एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते जाते हैं ना, इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, ये जो देखो डी वाई बाई डी एक्स जो है एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको आप वाई वन से दिखा सकते हैं, इसको आप वाई टू से दिखा सकते हैं, सो ऑन, ये वाई थ्री से, ये वाई फोर से, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप किसी फंक्शन को एन टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो आप उस डेरिवेटिव को ऐसे दिखा सकते हैं वाई एन। दैट मीन्स ये जो वाई एन होगा ये होगा डी ऐसा, मतलब y has been differentiated n times with respect to x, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर बेस्ड कुछ सम बनाएंगे, ठीक है। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सम है, इफ a इज इक्वल टू a साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें अपने को दो बार डिफरेंशिएशन करना है। इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। पहले कि हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर लें, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को एल एच एस इक्वल टू आर एच एस की तरह मानते हुए इस एल एच एस में इस एक्सप्रेशन को रखें, सॉल्व कर दें, जीरो आ गया, प्रूव हो गया एक। या तो ऐसे डिफरेंशिएट करते जाए कि हमको एक बार में ये एक्सप्रेशन मिल जाए, जो पॉसिबल होगा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो चीज़ है साइन एम एक्स, जरा इस पर ध्यान देते हैं। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं से डी साइन एम एक्स बाई डी एक्स, तो आपको पता है ये हो जाएगा कॉस एम एक्स, पर ये वाला एम आगे हो जाएगा कॉपी, यानी ये हो जाएगा एम कॉस एम एक्स चेन रूल से, राइट। अब इसी काम लोग यूज करेंगे इसको डिफरेंशिएट करने में, समझ गए। चलिए देखते हैं, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, इसको हम लोग क्या लिखेंगे वाई वन या डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट ए बाहर, डी साइन एम एक्स बाई डी एक्स, फिर ये वाला कॉन्स्टेंट बी बाहर, डी कॉस एम एक्स बाई डी एक्स। अब ये क्या हो गया, ए एम कॉस एम एक्स, और ये हो गया बी एम साइन एम एक्स। देखो मार्क करने की बात है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो ए एम ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा, कॉस एम का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस एम साइन एम एक्स, यहाँ बी एम जैसा था ऐसा रह जाएगा, और साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम कॉस एम एक्स। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर साइन एम एक्स, यहाँ हो गया माइनस बी एम स्क्वायर कॉस एम एक्स। नाउ वेरी इजी, इसमें से हम लोग माइनस एम स्क्वायर को निकाल सकते हैं कॉमन, क्या निकल रहा है देखिए, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। नाउ सी दिस, यही तो हमारा प्रॉब्लम है ना, वाई इज इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। मान लिया जाए कि अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन पकड़ लेते हैं तो यहाँ हम लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं एम स्क्वायर, इस सारे के सारे एक्सप्रेशन के जगह पर वाई लिख सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे वी हैव
टेकन इट फ्रॉम वन. नाउ ये माइनस एम स्क्वायर वाई क्या आया है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो. देखिए ये प्रूव हो गया, डिफरेंशिएट करते करते ही आ गया. ठीक है, दैट वॉज इजी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर m साइन इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई. इसको प्रूव करते हैं. राइट, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर m साइन इनवर्स x. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन ले देते हैं. ठीक है, अब इसको पहली बार तो डिफरेंशिएट करना है, यू नीड टू फाइंड वाई वन एंड वाई टू, तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा. तो differentiating with respect to x, y1 is equal to, अब ध्यान दो ये वाला, ये पूरा पूरी चेन रूल से होने वाला है. ठीक है, कैसे होगा, d e to the power m sin inverse x, ये किसका फंक्शन हो गया, d m sin inverse x का into d m sin inverse x, ये किसका फंक्शन हो गया, डी एक्स. ठीक है, ये डी एक्स से डिफरेंशिएट हो रहा है. राइट, एक्सपोनेंशियल एक्स अगर होता है, हम लोग जानते हैं ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स. तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ई टू द पावर एम साइन इनवर्स एक्स. ओके, ये वाला यहां पर m बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट वी आर गेटिंग इज m e टू द पावर m साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ ये जो e टू द पावर m साइन इनवर्स x है, ये तो खुद ही y है, तो क्यों ना उसके जगह पे y डाल दें. तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू एम वाई बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम वन. ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया एक्सप्रेशन. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई टू जब कर रहे हैं तो इसको कर रहे हैं यू बाई वी. ठीक है, हम लोग कौन सा फॉर्म इसमें लगा रहे हैं, यू बाई वी का डिफरेंशिएशन. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं. आपको याद होगा ये क्या होता है u by v का डिफरेंशिएशन, इस तरह से ये होता है du by dx into v minus u dv by dx by v square. राइट, ये होता है. अब यहाँ पर ये वाला जो है y, ये हमारा u है और ये नीचे वाला क्या हो रहा है, ये v हो रहा है. तो now we are going to differentiate it, चलिए करते हैं. तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली y1 लिख देंगे और नीचे वाला v जो है उसको इसी तरह छोड़ देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस. अब y को छोड़ देंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं. देखिए ये बड़ा मजेदार है, ये जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ये चेन रूल से इस तरह से होगा, d रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में. स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाई टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला कितना हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x. तो आपका 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आप इसको बिना किसी हेजिटेशन के यहां पे डाल सकते हैं, माइनस एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये जो है भी इसका स्क्वायर, अर्थात इस रूट का स्क्वायर करने से क्या हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमको इस प्रकार से मिल गया. अब देखिए आगे, ठीक है, समझ रहे हैं. नाउ सी दिस, अब क्या होने वाला है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू, अब देखिए ये m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, m y1 वन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस
एम वाई एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये मान लिया जाए कि ये वाला जो है इसको हम लोग टू मान देते हैं, ठीक है, तब देखो बड़ा गजब का चेंज हो जाएगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये जो वाई वन है इसके जगह पर हम लोग इसको पुट कर देंगे एम वाई बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखिए ये जो एम वाई बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो पूरा का पूरा वाई वन है, तो मतलब ये वाला जो चीज है ये आराम से हट करके हो सकता है वाई वन, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस वाई वन इंटू एक्स, और यहां हम लोग लिख देंगे कि ये चेंजेस हमने इक्वेशन टू से किया है। ठीक है, नाउ ये देखिए ये गया, यानी हमारे पास क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई वन। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट गिवन हम लोग एक्स वाई वन को इधर लेके आ जाते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई भी करेक्ट, ये हो गया प्रूव्ड, समझ गए। तो इसको अच्छा से बनाइएगा, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात, ये वाला जो डिफरेंशिएशन हुआ है ना इसको अच्छे से देखिएगा, ये बहुत जगह आता है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इसमें भले हम लोग दो दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि सिलेबस के अनुसार तो एन बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये जो दो दो बार डिफरेंशिएट करने वाला सम सब होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आता है, और जब आप एन बार डिफरेंशिएट करने वाला बनाइएगा तो उसमें ये दो बार डिफरेंशिएशन करने वाला बहुत प्रॉब्लम रहेगा, पहले वो दो बार करना पड़ेगा फिर एन बार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये सीखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यहाँ थीटा एक पैरामीटर है, तो फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, तो यहां देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा दिया है, हम लोग क्या करते हैं एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा दिया है, इसको भी अपन क्या करते हैं थीटा से डिफरेंशिएट करते हैं, एंड वी आर गेटिंग हेयर बी कॉस थीटा। नाउ हम लोग को पता है, वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्लास 12 में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऐसे ही होता है पैरामेट्रिक, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आया हुआ है बी कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा आया हुआ है माइनस ए साइन थीटा, तो इससे हम लोग को क्या मिल गया माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। अब हम लोग को क्या करना है डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट जब करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, ये आपका है डी वाई बाई डी एक्स का ही डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा आया हुआ है, मतलब ये आपका हो रहा है माइनस बी बाई ए कॉट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये चूंकि थीटा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे, माइनस बी बाई ए कॉट थीटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा से एंड देन डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये आ गया माइनस बी बाई ए और कॉट थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स, तनिक यहां ध्यान दीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा अगर माइनस ए साइन थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स इसको पलटी मारने से मिलेगा रेसिप्रोकल, यानी क्या आ जाएगा वन बाई माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया बी बाई ए स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई साइन थीटा खुद ही कोसेक थीटा होता है, तो ये आपका आ गया बी बाई ए, सॉरी एक माइनस रहेगा, बी बाई ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका, ठीक है। अब आपको कहा गया है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए स्क्वायर कोसेक क्यूब पाई बाई टू, और कोसेक पाई बाई टू वन होता है, तो इसका मतलब ये आंसर आ गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर, समझ गए। तो यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, ये वाला, ये देखिए थीटा से आया तो उसको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इनटू डी थीटा बाई डी एक्स ऐसे करके कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट सम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एन का टोटल पावर एन है, और इसमें हमको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। तो चलिए प्रूव करते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल पावर एन, वी विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर वन। अब इसके बाद हम लोग आगे इसको प्रूव करने जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो y1 इज इक्वल टू, इसको चेन रूल से करना पड़ेगा, मतलब कैसे हो जाएगा, डी एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n, देखिए नीचे में क्या आ रहा है, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन ये पूरा आ रहा है, और यहाँ आ जा रहा है x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई डी एक्स, ठीक है। ये वाला देखिए पावर में n है, मतलब ये हो गया n x n माइनस वन, और ये वाला, ये देखिए x का डिफरेंशिएशन होगा वन, और ये वाला फिर से चेन रूल, राइट, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, क्या हो जाएगा, वन बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स, टू टू कैंसल। अब देखिए एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन माइनस वन, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन माइनस वन, और इसको करेंगे सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये देखिए आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स। तो हमारा ये जो है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला एक ही चीज है, यहाँ पावर एन माइनस वन है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर में वन है, ये दोनों मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, एन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। एन सी दिस, ये जो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट का पावर होल एन है, ये क्या है, ये वाई है, तो हम लोग इसके जगह पर वाई पुट कर देते हैं, तो इससे हमारा एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करना आगे आसान हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इट, वाई वन इज इक्वल टू एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां लिख देंगे फ्रॉम वन, ये कृत्य हम लोग कर रहे हैं वन से, राइट। तो देखो ये एक बार डिफरेंशिएशन करके एक्सप्रेशन छोटा हो गया, अब वाई टू लाना है, मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन भी जरूरी है, वो भी हम लोग करते हैं, तो चलिए करते हैं आगे डिफरेंशिएशन, ये वाला यू बाई वी से डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो वाई टू इज इक्वल टू, इनको बाहर रख देते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन y1, नीचे वाला छोड़ रहे हैं, माइनस ऊपर वाला छोड़ रहे हैं, ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, n y1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये देखो यहाँ पे टू और टू कैंसिल हो जा रहा है, ये आ जा रहा है एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज व्हाट y2। सो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू इज इक्वल टू एन वाई वन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एन एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कर सकते हैं। नाउ ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर टू था, ठीक है ना। इस इक्वेशन नंबर टू को ध्यान से देखने पे हमको पता चलता है कि वाई वन की जगह ये वाला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर जो ये एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसको डायरेक्टली यहाँ पर वाई वन पुट किया जा सकता है। तो वी कैन हैव दिस एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, किसके जगह पे, वाई वन की जगह पे, इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। और यहाँ ये जो एन वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये चीज इसको सीधा सीधा रिप्लेस कर देंगे वाई वन से, तो यानी ये हो जाएगा एक्स वाई वन। और यहाँ हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम टू ये सारा काम किया गया। नाउ दिस गेट्स कैंसल्ड, तो ये आपका आ गया एन स्क्वायर वाई और ये आ गया माइनस एक्स वाई वन। ये क्या आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू। तो देखो इन चीज़ों को इधर लेके आने से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव। ओके नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। If y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x, prove that x square minus 1 by 2 plus xy1 minus m square y is equal to 0. अब यहाँ देखिए हमारे पास ये चीज, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले कॉपी करते हैं, राइट। y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x, take it as equation number 1, ठीक है। अब देखो हम लोग एल्जेब्रा का एक आइडिया करेंगे। डू यू नो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ऐसा होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हुआ माइनस फोर ए बी हुआ। अब टू ए बी माइनस फोर ए बी करोगे तो आ जाएगा माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए इस चीज को हम लोग ए और इसको अगर बी समझ लेते हैं तो यहाँ हम लोग यही काम कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माइंड इट, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला इस पर अच्छी तरह से। तो y टू द पावर 1 बाई एम माइनस वाई टू द पावर माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी ये इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू इतना इंटू इतना, यही है ए बी, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज अपने पास है 2x, तो इसको रख दिया 2x का होल स्क्वायर। और ये चीज जरा ध्यान दो, y का पावर 1 बाई एम इंटू वाई टू दी पावर माइनस 1 बाई एम, ये तो कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है ना। अर्थात ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4। आप बड़ी खुशी से 4 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1। नाउ ये जो y टू दी पावर 1 बाई एम है माइनस y टू दी पावर माइनस 1 बाई एम है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो y टू दी पावर 1 बाई एम माइनस y टू दी पावर माइनस 1 बाई एम इज इक्वल टू 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब एडिंग 1 एंड 2, अब अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो y टू दी पावर माइनस 1 बाई एम और y टू दी पावर माइनस 1 बाई एम माइनस और प्लस में है, कटेगा, ठीक है। ये दोनों चीज y टू दी पावर 1 बाई एम और y टू दी पावर 1 बाई एम ये डेफिनेटली ऐड हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा 2 इंटू वाई टू दी पावर 1 बाई एम इज इक्वल टू यहां 2x और यहां प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 2 को कॉमन निकाल के भी काट सकते हैं तो अपने को क्या मिल गया वाई टू दी पावर 1 बाई एम इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये जो पावर 1/m है इसको अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, इस प्रकार से टू दी पावर m नाउ, सॉरी ये वाला अपना इक्वेशन नंबर 3 पकड़ते हैं। ये वही प्रीवियस क्वेश्चन हुआ कि नहीं, जस्ट इसके पहले जो बनाया था y इज इक्वल टू x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का पावर n। अब आगे का डिफरेंशिएशन वैसे ही होगा और हम लोग ये निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके आगे का काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन के तरह इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, राइट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आगे करेंगे और खास करके लाइबनिस थ्योरम करेंगे तो उसमें इन सारे का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ओके बाय।